ऐसी प्रोफेशन में फॉर्मूला में लेके आऊं, एक ऐसी फॉर्मूला दे रहा हूं तुझे जो तेरी जिंदगी नहीं, तेरी जवानी नहीं, पूरी दुनिया फ्यूचर तेरे। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का मार्ज बस इंडस्ट्रीज बाय दीपक सर। गाइस, आई एम दीपक सर, स्वागत है आप सभी को एक ऐसे मोटिवेशनल क्लास में। गाइस, आज का मोटिवेशनल क्लास हमारा है जवानी बर्बाद मत करो। एक ऐसा क्लास लेके आओ जिसमें आपको जिन बॉडी में पूरी आग लगा देगा, ऐसा आग लगाएगा कि एक्साइटमेंट उत्तेजना ऐसा भरेगा कि आपके लाइफ में सफलता आपको कदम चूमेगी, खुद आएगी। आओ अपना लो सफलता तुम्हारे, ऐसा क्लास लेके आओ। इस क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे सक्सेस के 5 सूत्र। यहाँ पे अच्छे वो फॉर्मूला लेके आओ जो दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा फॉर्मूला लेके आओ कि आपकी जिंदगी बदल देगी। और इधर देखेंगे हम किसी भी काम को करने के लिए हमें टाइमिंग क्या चाहिए। बात करेंगे आज रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, रानी जिसे कहते हैं आप। हमारा टाइमिंग जो होता है लाइफ में वो क्या क्या हो सकता है, हम बात करते हैं आज। किसी भी प्रोफेशन में जाइए, किसी भी प्रोफेशन में जाने के बाद आपको एक समय मिलता है, समय को जिस समय को इस चिप में एडजस्ट करने का टाइम जो शुरू होता है ना, आपको सक्सेस को हासिल करने का जो टाइम शुरू होता है ना, वो टाइमिंग मिलती है। और 3 प्रक्रिया में बटी होती है। ये देखो यहाँ पे आपकी जिंदगी का समय 4 शब्दों में कहे तो यहाँ पे देखिए मात्र 4 पॉइंट में बटे हुए हैं। ये 4 शब्द याद रखना, 4 नंबर, 4 4 4। ये 4, पहला बचपन बिता लीजिए जैसे बिताना है, लेकिन टारगेट के साथ, ऐसे ही नहीं फालतू में पैदा हुआ फालतू में गया, ये नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए बचपन कैसा भी हो, बचपन में मेहनत करना पड़ेगा, जवानी आएगी, सफलता का दुनिया जिसे सफलता की दुनिया कहते हैं, जवानी, जवानी बर्बाद नहीं करना है, जवानी में आबाद करना है, वो जवानी तुम्हारी आएगी। और तीसरा आएगा बुढ़ापा। अगर तुम प्रोफेशन में बचपन से जवानी तक अच्छा मेहनत कर दिए तो सारा बुढ़ापा तेरे सलाम ठोकेगी। बुढ़ापा भी कहेगी कि मैं आना नहीं चाहती थी, मगर आ गई, कोई बात नहीं, मैं तेरा गुलाम बन के हूं, लेकिन मैं तू मेरा गुलाम नहीं बन पाया, ये अफसोस है उस बुढ़ापा को। बुढ़ापा ये कहेगी तेरे से। लेकिन चौथा काम करता है, खत्म, अब जवानी आ गया, बचपन से जवानी आया, जवानी से बुढ़ापा आया, अब आगे क्या आएगा, अब आगे साला खत्म हो जाएगा, और क्या, झंड काम खत्म, यही होता है बेटा लाइफ में। आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई का, आखिर कौन सा टाइमिंग में हम काम करें, अचीवमेंट कैसे हासिल करें, सक्सेस के लिए कौन सी तीर मारे, सारा जो सक्सेस कर दे रही लाइफ को, सक्सेस कर दे जिंदगी, सफल बना दे, ऐसा सक्सेस लाया हो जो पूरा फ्यूचर बदल देगा। तेरा फ्यूचर बदलना है। एक माझी बना था माउंटेन मैन, दशरथ माझी माउंटेन मैन बना था, सारा तो फ्यूचर मैन बन, ओ सक्सेस मैन बन, फ्यूचर मैन बन, ब्रांड मैन बन, लेकिन बन तो बन, सिर्फ बन। यहाँ पे देखेंगे लाइफ के किसी भी काम में 3 शुरुआती से गुजरना पड़ता है तेरे को। सारा 3 शुरुआती कौन सा है, देख पहले, पहला तुझे शुरुआती दौर से जाना पड़ेगा, किसी भी प्रोफेशन हो, लाइफ कैसे भी हो, शुरुआती दौर में आना पड़ेगा तुझे। बचपन से जवान होता है, जवान से बचपन नहीं आती है, धीरे धीरे, यानी टाइमिंग है, स्पीड के साथ बढ़ेगा, चलता रहेगा तू, एक एक्साइटमेंट के साथ चलता रहा, शुरुआती दौर है तेरी, शुरुआती दौर याद रखना। दूसरा प्रसिद्धि आती है धीरे धीरे, तेरी जवानी आती है, प्रसिद्ध होता है तू, ओ फेमस बंदा बहुत दौड़ने, फेमस भाई, अब फेमस दौड़ना भाई, इंस्टाग्राम पे रील बनाता है, टिकटॉक पे स्टार है, फेमस लौंडे है, प्रसिद्धि दौर आती है तेरी। और तीसरी प्रतियोगिता दौर, तेरे से भी चलने वाले पैदा हो जाएंगे, तेरे को पीछे ढकेलने वाले पैदा हो जाएंगे, सारा प्रतियोगिता हो जाएगा, कंपटीशन फेस करेगा तू, कंपटीशन वाला लाइफ जिएगा, ऐसा मोमेंट आएगा, 3 मोमेंट आएगा, और तीनों को कैसे पार कर सकता है तू, पार लगा दे अपनी बॉडी में, ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं सारा, किसी भी प्रोफेशन में इन तीनों के तीनों को ऐड तेरी की, तीनों को तीनों से तू लड़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तीनों तेरी गुलाम बन जाएगी रे। एक बार ध्यान से यहां पे देख, समय लगाना कहां है, किस तरीके से चलना है, देखना यहां पे ध्यान से देखना, राइट टाइम, इनिशियल फेज, शुरुआती दौर, सही समय जो होता है ना, शुरुआती दौर होता है किसी काम को करने के लिए, किसी बिजनेस को करने के लिए, किसी प्रोफेशन को बनाने के लिए, या लाइफ बनाने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, प्यार करने के लिए, सारा जिंदगी जीने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है रे। जो सही समय होता है वो शुरुआती दौर होता है तेरा, फर्स्ट स्टेप। जब तेरी शुरुआती दौर में अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा, जब तू बचपन से अच्छा पढ़ता रहे, सला यकीन मान, जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तू जवान हो जाएगा, तो पढ़ते पढ़ते तू इतना स्मार्ट बन जाएगा कि तेरे सामने ज्ञान का प्रमाण रह जाएगा।
तेरे माइंड में ज्ञान आबाद रहेगा। ऐसा प्रोफेशन में जब धीरे धीरे पहला समय होता है, जब धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलता रहता है लोग, लेकिन जिंदगी है बेटा, शुरुआत से चलना पड़ेगा तुझे, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जो सही समय होती है वो शुरुआती की होती है। अगर तू शुरुआत अच्छा कर लिया बात तेरे की, अंत तो सारा जिंदगी में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वेलनेस, इंडेक्स वेलनेस होगा, खत्म अंत जो होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, उसका कामना नहीं कर सकता है। शुरुआती दौर, इनिशियल फेस, जब राइट टाइम में हम जब सही समय में शुरुआत करते हैं ना। एक बार झांसी की रानी की बात कर लेता हूं। झांसी की रानी कौन थी, कहां से थी, ये छोड़ो, पहली बात सुनो कि झांसी की रानी, झांसी की जब मां रानी बनी तो रानी जो थी, जब छोटी बच्ची थी, शुरुआत किया था उसने, अपने अपने आप को एक तैयार किया था सेना की तरह। हट तेरी की, साला 14 वर्ष की जवानी में अंग्रेजों को धूल चटाने लग रही, 14 वर्ष की जवानी में अंग्रेजों की धूल चटाने लगी। हट तेरी की, अंग्रेजों के घर में घुस के मारती थी। वो थी उसका नाम, बचपन का नाम उसका, एक कह सकते हो तो उसका माता पिता ने रखा था मणिकर्णिका, लेकिन वो ब्राह्मण परिवार से थी, अच्छी बनारस में उसका जन्म हुआ था, एक अच्छी खानदान से रिलेटेड थी। लोग डरते थे, छोटी बच्ची है, शुरुआत कर रही है, साला ये आजाद कराने की बात कर रही है, बाप रे कितनी बड़ी मुसीबत को झेलने वाली थी ये। साला जो क्षेत्र था, जो देश था, जो इलाका था, उसे आजाद कराने चाहती थी। मैं आजाद कराऊंगी, इसलिए ठाना, शुरुआत की, झांसी की रानी ने शुरुआत किया एक सारी की। छोटी बच्ची 14 साल की जवानी में ऐसे काम की हर तरीके, कोई भी अंग्रेज साला उसे टच नहीं कर सकता रे। अंग्रेज साला उसको डरने लगा, अंग्रेजों के घर में घुस करके मारती थी, ऐसा जज्बा था उसके अंदर, हर तरीके 2-4 लोगों को ऐसे ठोक देती थी। उसके पास तलवारबाजी की जबरदस्त कला थी रे भाई। जब अनु ने, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने जब शुरुआत किया, उसे लोग बोला अरे मत कर ऐसा, साला फंस जाएगी, पकड़ी जाएगी तो काट कर फेंक देंगे अंग्रेज, गोली मार देंगे, तोप से उड़ा देंगे। सुना नहीं किसी का, शुरुआत किया, शुरुआत साला अच्छा किया, सोचा कि 14 वर्ष की जवानी में अगर अंग्रेजों को टकरा सकती है तो सोच कि ये रानी अगर 18 वर्ष की होगी तो क्या करेगी। ऐसे ही जब 14 वर्ष के बाद जब 18 वर्ष आया ना, तो वही रानी जो थी, अनु थी, जो रानी लक्ष्मीबाई की जाती है, साला एक समय अंग्रेजों को ठोकती थी, रोकती थी, आज साला न ठोकती न रोकती है, सीधा खून की होली, खून की नदी बहलाती है, खून की नदियां बहलाना शुरू कर दिया। 18 वर्ष की जवानी में साला आग लगा के रख दिया। वो रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा हूं। शुरुआत करो, शुरुआत में तो टेंशन होगा कि कैसे चलेगी, शुरुआत अच्छा करो, चाहे जो भी हो जिंदगी की, जो प्रोफेशन हो, लाइफ हो, पढ़ते हो अच्छा से पढ़ाई करो, प्रोफेशन में हो अच्छा से प्रोफेशन करो, बिजनेस कर रहे हो अच्छा से बिजनेस करो, शुरुआत तो करो यार, शुरुआत करो, शुरुआत कर तेरी, शुरुआत करो, शुरुआत करो। जब शुरुआत करोगे ना तो सारा एक ऊंचाई की, नीचे से ऊपर जाने का प्रयत्न करो, ऊपर से नीचे नहीं, शुरुआत ऐसे करो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ये अनु ने भी आगे बढ़ी, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, 14 से 18 पे जवानी चली गई। फिर देखो क्या हुआ, राइट डायरेक्शन, एजुकेशन, सही ज्ञान मिला इसको, हाथ तेरी की, अब मैं देश को आजाद करा सकती हूँ। यानी जो महफिल में जो थी, उस वक्त की जो शासन थे, प्रशासनिक थे, जो शासन से, जिसके अंग्रेजों के चुंगल से इस देश को आजाद कराने वाली थी, लाइफ बदलने वाली थी रे। 18 वर्ष की जवानी में उसे सही डायरेक्शन में, यानी सही दिशा में जब एजुकेशन मिलता है तो दुनिया की बेताब बादशाह बनते हो तुम। अपने लाइफ में सही ज्ञान को देखो, तुम जिस प्रोफेशन में हो बेटा, जिस लाइन में जाना चाहता है तू, अरे बाबा उसका सही ज्ञान तो तू लेके देख, तेरे को सक्सेस आएगा रे बाबा, तेरे को सक्सेस खुद तेरे पीछे चल के आएगा। ऐसा पावर लेके आ, अपने अंदर ऐसा एक्साइटमेंट रख, रिलीज रिलीज कर अपने आप को, जितना रिलीज करना है ओपन कर, खोल, ओपन 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 कर अपने आप को, फैला, खोल दे अपने आप को। और जिस दिन तू ओपन कर देना बेटा, जिस दिन सही डायरेक्शन में, हमारा काम है फौजी बनना तो सारा फौजी का ज्ञान लेना रे, और फौजी बनना है तो सारा किसी फौजी से पूछना पड़ेगा, जाके हलवाई से मत पूछना बेटा फौजी कैसे बनते, वो बोले बेटा तेल लगाओ, कढ़ाई में डालो, निकालो, फौजी बन गए। सारा जिस प्रोफेशन में जाना है उस प्रोफेशन के लोगों से मिलो, उस वर्ड डायरेक्शन में मिलो, सही डायरेक्शन में एजुकेशन को लो। जब सही डायरेक्शन में एजुकेशन को लेते हैं ना, सारा फ्यूचर कभी भी
हर्ट नहीं कर सकती तुझे, फ्यूचर कभी धोखा नहीं दे सकती। लाइफ में इमेजिन कर, तुझे फ्यूचर सक्सेस देगी जब तेरा डायरेक्शन सही होगा। जिस प्रोफेशन में जाना है उस प्रोफेशन की एजुकेशन सही कर। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वक्त में जब 18 वर्ष की जवानी में आई तो उस वक्त अपनी तात्या टोपे तमाम प्रकार के उसे लोग मिले थे, अच्छे अच्छे गुरु मिले थे, अच्छे से कला सीखा, तलवारबाजी सीखी, घुड़सवारी सीखी, बहुत सारे कलाओं को सीखा, अपने अंदर एक पावर लाई, सही दिशा में एजुकेशन को मिला था, झांसी रानी को सही ज्ञान मिला था, जिस दिशा में जाना था कि आजाद कराना है देश को, आजाद कराना है दुनिया को, आजाद कराना है तो आजाद कराना है, उसके लिए सही ज्ञान मिल गया, दिशा सही था कि आजाद करानी है, ज्ञान भी मिल गया आजाद करानी है। तो बेटा आगे देखो, तीसरा फेस आएगा, राइट एक्शन लेवरेज इनकम। तू अगर सही तरीके से काम करेगा तो तुझे धन मिलेगा, बहुमूल्य कमाई मिलेगी। वो कमाई आजादी की हो, कमाई प्रोफेशन की हो, कमाई पैसे की हो, चाहे जिस चीज की भी हो, अगर तू सही दिशा में मतलब सही तरीके से काम कर रहा है तो तुझे बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा मिलेगा, अच्छी कमाई मिलेगी। ये प्रोफेशनल तरीके से सोचेगा कि तेरे पास जब यूनिवर्सिटी में शुरुआत कर दी अच्छे से, तेरे पास अच्छा ज्ञान आ गया दिशा में, जिस दिशा में डायरेक्शन में जाना है उसमें, तब तेरे को अच्छा काम करना चाहिए और तू अच्छा काम करेगा तो परिणाम भी अच्छा मिलेगा। लेवरेज बहुमूल्य कमाई मिलेगी, लेवरेज इनकम बोल, लेवरेज सक्सेस बोल, तुझे मिलेगी। जब काम सही करेगा तो तुझे लेवरेज मिलेगा, बड़ी अचीवमेंट मिलेगी बेटा, बड़ी सक्सेस मिलेगी तुझे। उसने लेवरेज किया और झांसी की रानी ने इसी मुकाम पे काम शुरू किया 18 वर्ष की जवानी में। आप तरीके अंग्रेज को की ठोक ठाक करके सराने, काट काट के बोटी बोटी काट काट करके खून बहाना चालू किया। सला 18 वर्ष की जवानी एक लड़की ने 1900 अंग्रेजों को सला 6 महीने के अंदर काट के फेंक दिया। 1900 अंग्रेजों को 6 महीने के अंदर काट के फेंक दिया। वो जवानी अपने अंदर रख, वो भी जवान थी 18 वर्ष की जवानी में, इतना आग था कि सला 1900 अंग्रेजों की हत्या सिर्फ मात्र 6 महीने में कर डाली। वो थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिसे बोलते हो। उसके बाद प्रोफेशन बदला, उसके बाद तेरे फॉर्मूले भी बदलेंगे। राइट एनर्जी, उसके बाद आता राइट एनर्जी, टीम वर्क। इस प्रोफेशन में जिस प्रकार से राइट एनर्जी, तेरे पास सही पावर तब आएगा जब तू टीम में जाएगा, समूहों में मिल, लोगों से मिल, लोगों के पास टीम बना, लोगों को जोड़ अपने पास, जो सक्सेस है उससे मिल, सक्सेस एक टीम बना, ऐसा टीम बना जिसमें सक्सेस लोग हैं, अच्छे लोग हो, सही डायरेक्शन, सही ज्ञान, सही दिशा तुझे बताते रहे, समझाते रहे, सही टीचरों से मिल, ना मिल तो सलाह पट तेरी की, टीचरों के पास जाके पैर पकड़े बोल, गुरु मुझे सक्सेस करना है, मुझे सक्सेस कर भाई, मेरे मालिक सक्सेस कर दे मुझे। गुरु की आदर व्यवहार है, गुरु का आदर्श बन तू। किसी भी गुरु से ज्ञान लेना है तो उसके पैर पकड़ के ज्ञान ले, सारा ज्ञान के लिए पैर पकड़ ले, चलेगा चलेगा, अरे पैर पकड़ धो के पी ले उसे, मिलेगा सारा मिलेगा, तभी भी मिलेगा तो पी ले, पैर पकड़ धो के पी ले, लेकिन ज्ञान चाहिए ही चाहिए तेरे को, ज्ञान चाहिए। सारा जब राइट एनर्जी होगा, टीम वर्क होगा, जब तेरे पास टीम मतलब एक समूह होगा, एक समूह में जब कार्य करेगा तू बेटा ना, कोई ऐसा कार्य नहीं ससुरा जो समूह में अगर तुम कर दिया ना सर पक्का तुम सफल होगा, तुमको कोई रोक नहीं सकता बाबू। जब तुम टीम वर्क में काम करता है ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं तुमको, और बहुत सारे लोग मिलते हैं ससुरा ना, तो तुमको एक अच्छा सा डायरेक्शन मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, और बहुत तरीके के दिमाग मिलेगा तुमको। अब जब किसी एक काम पे बहुत सारा लोग दिमाग लगाएगा ना बाबू, सर ऐसा ही तुम सफल हो जाएगा, समझा कि बस जब टीम वर्क में तू काम करेगा ना बेटा, बहुत सारे लोग वहां पे मिलेंगे, सारे महफिल होंगे वहां पे, इतने सारे लोग मिलेंगे, और तेरा अच्छा टीम होगा तो तुझे सक्सेस भी अच्छा मिलेगा 100% लिख के तू रख ले। तुझे चाहिए क्या टीम? झांसी की रानी को उसकी फैमिली सपोर्टेड नहीं करते थे, जब वो अंग्रेजों को मारती थी तो डरते थे लोग। धीरे धीरे 18 वर्ष के बाद जवान हुई, शादी हो गई, शादी होने के बाद उसने एक टीम मिला, एक राज्य मिला, एक राज्य की रानी बन गई, और रानी बनने के बाद बेटा उसे टीम मिला और टीम वर्क में काम शुरू किया उसने। रानी ने पूरे राज्य के औरतों को जागरूक किया, इतना जागरूक किया कि सर वहां झुकना नहीं है रे, उनके तलवे नहीं चाटना है, जो भी हट तरीके से काट काट कर बोटी बोटी फेंक देना है, सर ठोक देना है, लेकिन झुकना नहीं है, ऐसा जागरूक किया, टीम बनाई, एक महफिल बनाई, एक टीम में काम किया, टीम वर्क का सपोर्ट मिला, और एक शक्तिशाली रानी बन गई, इतनी पावरफुल रानी बनी कि सर पति और बेटे दोनों को खोने के बाद भी
अचीवमेंट हासिल किया, सक्सेस हासिल किया। वही रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा हूँ जो अंतिम विकल्प में सारा अंग्रेजों की गर्दन धड़ाधड़ उड़ाते चली गई, अपने पति और बेटे के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। उस वक्त उसको उससे आजाद करानी थी, दुनिया को आजाद करानी थी, इस देश को, लोगों की भविष्य देनी थी। दो जिंदगियां कुर्बान करने के बाद में साला पहले बेटा, फिर पति और फिर झांसी की रानी, ये तीन अचीवमेंट, ये तीन इतने बड़े मुद्दे हैं इस कहानी के बेटा ना। ये तीनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला। गंगाधर राव जो झांसी की रानी के अभी पति थे, जो झांसी की रानी को अपना पत्नी बना के लाया, रानी बना के लाया, उसने भी चाइपमेंट किया, उसे अपना पूरा टीम दिया, फुल सपोर्ट दिया, पावर दिया, और एक फ्यूचर में जाकर के रानी लक्ष्मीबाई ने इसको आजाद करा दिया अंग्रेजों से, अंग्रेजों की हत्या करके अंग्रेजों को नष्ट कर दिया, उसके बाद आजाद कराने में सफल हुई। तो एक बेटा टीम वर्क बहुत तुम्हारे लिए मायने रखता है, सही एनर्जी सही पावर तभी है जब तुम टीम वर्क में काम करेगा। अगला और लास्ट तुम देख ले मेरा सूत्र बेटा, राइट प्रोफेशन राइट सक्सेस। एक झांसी की रानी की बात करूं मैं आज, या किसी भी प्रोफेशन में, या किसी बड़े बड़े लोगों की मैं बात करूं जो सफल हुए हैं, सक्सेस हुए, जैसे दशरथ मांझी हैं, झांसी की रानी हैं, तमाम प्रकार की हैं, जैसे गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, इन तमाम प्रकार की जो पूजनीय लोग हैं। राइट प्रोफेशन तेरा राइट सक्सेस देगा, यानी सही प्रोफेशन पे जब तू काम करेगा, तेरी प्रोफेशन सही है, तेरा जो जॉब है वो सही है, तो तेरी सक्सेस लाइफ भी बहुत सही है, तुझे सही सक्सेस भी मिलेगी और जिंदगी की हर चीज मिलेगी जब तेरे पास एक राइट प्रोफेशन होता है। और जब राइट प्रोफेशन होगा तो तुझे सक्सेस राइट मिलेगा, और राइट सक्सेस के लिए राइट प्रोफेशन ढूंढना तेरा काम है। तू ढूंढेगा राइट प्रोफेशन अपने लिए कि तुझे राइट सक्सेस मिले, तुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि झांसी की रानी ने अपने लिए राइट प्रोफेशन ढूंढा था, शादी की थी, अंग्रेजों को खत्म करना था, आजाद करानी थी, उसने टाइमिंग के साथ अपने आप को चेंज किया, पहला शुरुआत दौर किया, अच्छा ज्ञान लिया, उसके बाद लेवरेज की अच्छा कार्य करना शुरू किया, अपने काम को बड़ा किया, टीम वर्क बना के काम की, फिर उससे बात तो उसको सफल होना ही था। और जब राइट प्रोफेशन होता है तो राइट सक्सेस तुझे मिलती ही मिलती है, इतना याद रख ले। झांसी की रानी की कहानी देख ले, चाहे किसी की भी कहानी देख ले, साला धीरे 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 अपने लाइफ को सक्सेस किया, उसके पीछे यही फॉर्मूला का कारण है। ये जिंदगी के वो फॉर्मूला है बेटा कि हर जिंदगी के हर कोने पर, हर महफिल पे तेरे को हर एक समय में ये तेरा साथ देने वाले हैं। आज की जिंदगी की ये सक्सेस के 5 फॉर्मूले तेरी जिंदगी बदल देगी, तेरी दुनिया बदल देगी बेटा, सिर्फ एक बार इस प्रोफेशन पे, सिर्फ एक बार इसे काम करके देख ले इस फॉर्मूले पे। तुझे नाज होगी कि तू किसी फॉर्मूले पे काम कर रहा है, ऐसे फॉर्मूले पे काम कर रहा है जिसको देने वाला ये है दीपक सर। एक ऐसी प्रोफेशन में फॉर्मूला में लेके आऊं, एक ऐसी फॉर्मूला दे रहा हूं तुझे जो तेरी जिंदगी नहीं, तेरी जवानी नहीं, पूरी दुनिया फ्यूचर तेरी सक्सेस कर देगा बेटा। बस इस पे काम करके देख, तू लाइफ में चिपट कर, सक्सेस के पीछे भाग, पापा की परियों के पीछे नहीं। आज है कल नहीं है, अरे छोड़ना, अरे काम ऐसा कर बेटा कि सक्सेस तुझे सलाम करे। हम ये कहता हूं 100% चैलेंज ठोकर बेटा, काम ऐसा कर कि सक्सेस तुझे सलाम करे। और हर बाप का सपना हो साला कि वो अपने पापा जो है ना तेरे पापा, हर बाप अपने परी को लाके तेरे नाम करे। ऐसा काम कर कि सक्सेस भी तुझे सलाम करे। जिंदगी में ये करना है, पापा की परियों के पीछे भागना नहीं है, अपने पीछे भगा उनको, अपने पीछे भगा, ये चेकमेंट कर, सक्सेस को हासिल कर, अचीव कर, ऐसे मोमेंट मिला अपनी जिंदगी में। और ये मोमेंट आने के तुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही समय मिलता है, जवानी। जवानी बर्बाद नहीं, जवानी अबाद कर देगी, जवानी हर रात को तेरे एक सौगात दे देगी। बस जवानी में, बस जवानी को बर्बाद मत करना बेटा, जवानी में बस जवानी को याद रखना बेटा। जवानी तुझे सक्सेस कर देगी, तुझे सफल करा देगी, और ऐसी जिंदगी देगी कि तू कभी सोचा नहीं था, फ्यूचर ब्राइट कर देगी तेरी जवानी। बस जवानी का सही इस्तेमाल कर, जवानी का सही उपयोग करना सीख, जवानी में सही काम करना सीख, जवानी को जवानी की तरह ले, बुढ़ापे की तरह मत ले। हेल्पलेस मत लग, हेल्पलेस मत बन, पावर रख अपने अंदर, क्योंकि जिस दिन कही जाती है कि सफलता हर दुनिया के हर तमाम सुख तेरे जिंदगी में हर तरीके से भर देगी, यकीन मानिए जवानी है साला कुछ भी कर देगी। 22 साल में अगर माउंटेन मैन बन सकता है तो तू सोच, 22 महीने दे दे अपनी जिंदगी को, तू अब से सक्सेस मैन बन जाएगा, फ्यूचर मैन बन जाएगा। दुनिया की कोई भी पहाड़ उसे टकरा जा, और ऐसा टकरा कि साला चकना चूर हो जाए पहाड़,
और तू आगे निकल भाग, और तब तक मत रुक, तब तक मत रुक, तब तक मत रुक कि जब तक तेरे कदमों में सफलता गिर न जाए। तब सर उठा के कहना, साहब ये सफलता का पिता बादशाह है। गाइस इस मोटिवेशन क्लास में नहीं करिए, ऐसे मिलेंगे नए मोटिवेशन क्लास में। थैंक यू गाइस।